हमने आप लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर विसाल तक पूरी एक सीरीज़ बनाई है जो आपको सीरियल वाइज मिलेगी। तमाम तर रिसर्च और मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी से ली गई है और सच्चाई और हकीकत पर मबनी है। इसमें किसी किस्म का गैर मायारी, गैर इखलाकी और फ़िरका वारियत मज़हब परस्ती नहीं है। सिर्फ आप तक इस्लामी तालीमात पहुँचाना है और पूरी मोहम्मद सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी पूरी सीरीज़ हासिल हो सके। आपने 1 से लेकर 39 किस्तें देख ली हैं, ये 40वीं किस्त है। अगर आपने इससे पहले वाली किस्तें नहीं देखी तो पहले वाली देख लें ताकि आपको मोहम्मद सीरीज़ मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। शुक्रिया। अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज़ उन्होंने आपको पकड़ लिया। हर शख्स आपको अपनी तरफ खींचने लगा और कहने लगा, ये तो वही है जिसने हमारे इतने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक तड़प कर यकदम आगे आ गए और इस भीड़ में घुस गए। किसी को उन्होंने मार कर हटाया, किसी को धक्का दिया। वो उन लोगों को आपसे हटाते जाते और कहते जाते थे, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। उस पर वो लोग हज़रत अबू बकर पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। होश आया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खैरियत मालूम की। पता चला कि खैरियत से है तो अपनी तकलीफ को भूल गए। 10 शव्वाल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ थे। ताइफ में सकीफ़ का कबीला आबाद था। आप ये अंदाज़ा करने के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए कि कबीला सकीफ़ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। आप ये उम्मीद भी लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं और आपकी हिमायत में उठ खड़े हों। ताइफ पहुंचकर आपने सबसे पहले इस कबीले के सरदारों के पास जाने का इरादा किया। ये 3 भाई थे, एक का नाम अब्दुल यालैल था, दूसरे का नाम मसूद था और तीसरे का नाम हबीब था। इन तीनों के बारे में पूरी तरह वजाहत नहीं मिलती कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे या नहीं। बहरहाल आपने इन तीनों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद बताया, इस्लाम के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम की दावत देने के साथ मुखालिफों के मुकाबले में साथ देने की दावत दी। उनमें से एक ने कहा, क्या वो तुम ही हो जिसे खुदा ने भेजा है? साथ ही दूसरे ने कहा, तुम्हारे अलावा खुदा को रसूल बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था? इसके साथ ये तीसरा बोल उठा, खुदा की कसम मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत खतरनाक। इसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे किसी नबी के साथ बहस करना बहुत खतरनाक है और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना जेब नहीं देता। आप इनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। इन तीनों ने अपने यहाँ के ओबाशों को और अपने गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपके गिर्द जमा हो गए। रास्ते में भी दोनों तरफ लोगों का हुजूम हो गया। जब आप इनके दरमियान से गुजरे तो वो बदबख्त तरीन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आप जो कदम उठाते वो उस पर पत्थर मारते। आपके दोनों पांव खून से लाल हो गए, आपके जूते खून से भर गए। जब चारों तरफ पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। इन बदबख्त ओबाशों ने आपके बगलों में बाजू डालकर आपको खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। जो ही आपने चलने के लिए कदम उठाए वो फिर पत्थर बरसाते। साथ में वो हंस रहे थे और कहके लगा रहे थे। ज़ैद बिन हारिसा का ये हाल था कि वो आपको पत्थर से बचाने के लिए खुद को उनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी खून से लतोलाल थे, लेकिन इस हालात में भी उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की फ़िक्र थी। अपनी कोई परवाह नहीं, उनको इतने ज़ख्म आए कि सर फट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आखिरकार इनकी बस्तियों से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह इन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा उस वक्त तक ज़ख्मों से बिल्कुल चूर हो चुके थे और बदन लहू लहान था। आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, लाचारी और बेबसी की तुझसे फरियाद करता हूँ। या अर्रहमर रहीमीन, तू कमज़ोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है, मैं तुझ ही पर भरोसा कर सकता हूँ।
अगर मुझ पर तेरा गजब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उसी वक्त अचानक आपने देखा कि वहां बाग के मालिक उतबा और शीबा भी मौजूद थे। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आपके साथ क्या सलूक किया है। उन्हें देखते ही आप उठ खड़े हुए, क्योंकि आपको मालूम था कि वो दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। उधर उन लोगों को आपकी हालात पर रहम आ गया। उन्होंने फौरन अपनी नासरानी गुलाम को पुकारा, उसका नाम अद्दास था। अद्दास हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे हुक्म दिया, इस बैल से अंगूर का गोशा तोड़ो और इनके सामने रख दो। अद्दास ने हुक्म की तामील की, अंगूर आपको पेश किए। आपने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया बिस्मिल्लाह। अद्दास ने आपके मुंह से बिस्मिल्लाह सुना तो उसने अपने आप से कहा, इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो, तुम्हारा दीन क्या है? अद्दास ने बताया कि वो नासरानी है और नैनवा का रहने वाला है। उसके मुंह से नैनवा का नाम सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो यूनस अलैहिस्सलाम के हम वतन हो जो मती के बेटे हैं। अद्दास बहुत हैरान हुआ, बोला, आपको यूनस बिन मती के बारे में कैसा मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं नैनवा से निकला था तो वहाँ 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हों कि यूनस बिन मती कौन है। इसलिए आपको यूनस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हो गया? उस पर नबी करीम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ही ने मुझे इनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि इनकी कौम ने इनके साथ क्या सलूक किया है। आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही अद्दास फौरन आपके नज़दीक आ गया, आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। बाग के मालिक उतबा और शीबा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अद्दास को आपके कदम चूमते देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे इस गुलाम को तो इस शख्स ने गुमराह कर दिया। फिर अद्दास उनकी तरफ आया तो एक ने उससे कहा, तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था कि तू इसके हाथ और पैर छूने लगा है? उस पर अद्दास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी जमीन पर नहीं हो सकता। इसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। ये सुनकर उतबा ने फौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज मत फिरना। इन अद्दास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। उतबा और शीबा के बाग से निकलकर आप करने सालिब के मुकाम पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर आपने सर उठाया तो एक बादल आप पर साया किए नजर आए। इस बादल में आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए। उन्होंने आपसे कहा, आपने अपनी कौम यानी बनी सकीफ को जो कहा और उन्होंने जो जवाब दिया उसको अल्लाह ताला ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है। इसलिए बनी सकीफ के बारे में जो चाहे इस फरिश्ते को हुक्म दो। उसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूंगा या इन्हें जमीन में धसा कर इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूंगा। पहाड़ों के फरिश्तों के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला इनकी औलाद को जरूर ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। उस पर पहाड़ों के फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आपको नाम दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में भी रऊफ और रहीम है, यानी बहुत माफ करने वाले हैं और बहुत रहम करने वाले। ताइफ के इसी सफर से वापसी पर 9 जनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर हुआ। वो नसीबीन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने आपकी किरात की आवाज सुनी तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया। उसके बाद घर तशरीफ ले गए। उधर 9 जिन जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिनों को आपके बारे में बताया। चुनाचा वो सब के सब मक्का पहुंचे। उन्होंने हुजून के मुकाम पर कयाम किया और एक जिन को आपकी खिदमत में भेजा। आपने उससे अर्ज किया, मेरी कौम हुजून के मुकाम पर ठहरी हुई है, आप वहां तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वादा फरमाया कि आप रात में किसी वक्त भी हुजून आएंगे। हुजून मक्के के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आपके साथ थे।
हजून पहुंचकर आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के गर्द एक खत खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने इस दायरे से बाहर कदम रख दिया तो कयामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। एक रिवायत के मुताबिक आपने उनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम इसी जगह रहो, तुम्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगेगा, ना किसी चीज को देखकर होल महसूस करना। उसके बाद आप कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आपके पास बिल्कुल स्याह फाम लोग आए। ये काफी तादाद में थे और आप पर हुजूम करके टूट पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश और एक दूसरे पर गिर रहे थे। उस मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आपके पास से हटा दे, लेकिन फिर उन्हें आपका इरशाद याद आया, वो अपनी जगह से ना हिले। उधर जिन्नात ने आपसे कहा, आए अल्लाह के रसूल, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है, वो दूर है, इसलिए हमारी और हमारे सवारियों के लिए सामान्य सफर का इंतजाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथ में पहुंचेगी तो पहले से ज्यादा पुरगोश्त हो जाएगी, और ये लेथ और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तुफैल बिन उमरो दूसरी एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्के आए। इनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश इनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफैल बिन उमरो दूसी से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान इस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। इसने हमारा शीरजा बिखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है। इसकी बातों में जादू जैसा असर है, इसने दो सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपके कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है, इसलिए अब आप तो ना इससे कोई बात करें और ना इससे कोई बात सुने। उन्होंने इन पर इतना दबाव डाला कि वो कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना ही उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफैल बिन उमरो दूसी काबे का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूस लिया कि कहीं इनकी कोई बात मेरे कानों तक ना पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे में नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आपका कुछ कलाम इनके कानों में पड़ जाए, चुनाचा उन्होंने एक नहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता हूँ, इसलिए इन साहिब की बात सुन लेने में क्या हर्ज है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूंगा, और अगर बुरी बात कहते हैं तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद आप नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, आए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी बात से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूंस लिया है, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। कुरान सुनकर तुफैल बिन उमरो दूसी बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ, वो सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं, मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो आपस में रवाना हो गए। अपने बस्तियों के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफिले खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त इनकी दोनों आंखों के दरमियान चिराग के मानंद एक नूर पैदा हो गया, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी, उस वक्त उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और के चेहरे में पैदा फरमा दे। मुझे डर है मेरी कौम के लोग ये न कहने लगे कि दीन बदलने की वजह से इनकी शक्ल बिगड़ गई है। चुनाचा उसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके खोड़े में आ गया। उनका एक खोड़ा किसी कंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हजरत तुफैल बिन उमरो दोसी को जुल नूरैन कहा जाने लगा, यानी नूरो वाले। वो घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, ये क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उनके वालिद बोल उठे,
बेटे, जो तुम्हारा दीन है वो मेरा दीन है। तब तुफैल बिन उमर दूसी ने उन्हें गुसल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आई, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया, वो लोग भड़क गया। उनका यह हाल देखकर हजरत तुफैल बिन उमर दूसी ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, कौमे दूस मुझ पर गालिब आ गई है, इसलिए आप उनके लिए दुआ फरमाएं। आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, कौमे दूस को हिदायत फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हजरत तुफैल बिन उमर दूसी फिर अपने लोगों में गए। उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। वो मुसलसल उन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। हजरत तुफैल बिन उमर दूसी उन्हें साथ लेकर मदीने आए। उस वक्त तक गज़वा बदर, गज़वा अहद और गज़वा खंदक हो चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खैबर के मुकाम पर मौजूद थे। हजरत तुफैल बिन उमर दूसी के साथ 70-80 घरानों के लोग थे, उनमें हजरत अबू हुरैरा भी थे। चुनाचा ये लोग वहाँ गज़वा खैबर के वक्त पहुँचे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ इनका भी हिस्सा निकाला। अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे, ताइफ के सफ़र के बाद मेराज का वाकया पेश आया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बड़ा मौजज़ा है। ये वाकया इस तरह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम से लेकर फिर वहां से बुर्राक पर सवार कर मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आपके इक्तदार में नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई। आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे। रास्ते में एक सरसब्ज इलाका से आपका गुजर हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतर कर दो रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुर्राक से उतर कर दो रकात नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मुकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह आपने तय्यबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज़ पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है, यानी मक्के से हिजरत करके आपको यहीं आना है। उसके बाद बुर्राक फिर रवाना हुआ। उसका हर कदम जहां तक नज़र जाती है वहां तक पड़ता था। एक और मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ उतर कर दो रकात नमाज अदा कीजिए। आपने वहाँ भी दो रकात नमाज पढ़ी। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदीने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने उसी मुकाम पर कयाम किया था। उसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उसकी बस्ती में मबऊस हुए थे। उसके बाद फिर आप उसी बुर्राक पर सवार हुए। उस मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहाँ उतर कर भी नमाज पढ़िए। आप यहाँ उतर कर भी दो रकात नमाज अदा की और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल हम है। बैतुल हम बैतुल मुकद्दस के पास एक बस्ती है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इस सफ़र में आपने अल्लाह के रास्ते में जाद करने वालों का हाल देखा। आपको आखरत की मिसाली शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह के राह में जाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना रखा है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, अय मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ नहीं तवज्जा की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जा दे दे, आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर दी। उसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया है। दुनिया के उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रहेगा जितना के इस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद अमानत और खयानत करने वाले, फ़र्ज़ नमाजों को छोड़ने वाले, ज़कात ना अदा करने वाले, बदकारी करने वाले,
जिना करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उसके बाद भयानक अंजाम आपको दिखाया गया। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला दिया जा रहा था और उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे, फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था, गर्ज उन्हें जर्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में जकात न अदा करने वालों का अंजाम आपको दिखाया गया कि उनको सितर पर आगे और पीछे फटे हुए छीतड़े लटके हुए थे और वो ऊँटों और बकरियों की तरह चर रहे थे और जुकूम के दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। जुकूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया के कोई दरख्त नहीं कर सकता, और एक ज़र्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आएंगे। बदकारों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए होंगे। उन दस्तरखानों में से कुछ नहायत बेहतरीन बुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा गड़ा गोश्त था। वो बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में हज़रत जिब्राइल ने आपको बताया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें हैं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थीं जिनके खावंद को वो छोड़कर दूसरे और खावंदों के पास बदकारी करने जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निगर रहे थे। आपको ऐसे आलमों का अंजाम भी दिखाया गया जो लोगों को वाइज़ और नसीहत करते हैं और ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। उनकी ज़बानों और होंठों को लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा था, जैसे ही कट जाते फौरन पैदा हो जाते और फिर इस तरह काटे जाने का अमल दोबारा शुरू हो जाता, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनमें से अपने चेहरे और सीने को नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अम्बिया अलैहिस्सलाम की नमाज में अमामत फरमाने के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कदर अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें भी कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को जन्नत का हाल भी दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ, इससे नहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ कह रही थी, मेरी इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम और कटोरे बहुत ज़्यादा होंगे। उस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, ना मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, इसके दिल में मेरा डर है, उसका दिल मेरी खौफ की वजह से महफूज रहेगा, और जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं करूँगा। जो मुझे कर्ज देता है, यानी नेक अमल करता है, मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला ज़रूर दूंगा। जो मुझ पर तवक्कल और भरोसा करता है, उसकी जमा पूंजी को उसके ज़रूरत के लिए पूरा करता रहूँगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं हो सकता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस आए मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। और पूरी मोहम्मद सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी पूरी सीरीज हासिल हो सके। शुक्रिया।